वन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो फाइनली आज हम आ चुके हैं अपने 21 डे पर। और सबसे पहले मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि कौन है इतना कंसिस्टेंट बंदा, क्योंकि अगर मुझे ये वीडियो बनाने में इतनी डिफिकल्टी होती तो यार जो फॉलो कर रहा है उसको विचार तो कितना ही कंसिस्ट, क्योंकि कितना डेडिकेशन है। आई एम प्राउड ऑफ यू लिटरली। अगर तू ये टास्क कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि टारगेट तू काजल देखिए फॉलो कर रहा है, बट अगर कंसिस्टेंट है तो आई एम प्राउड ऑफ यू। आई एम लिटरली प्राउड ऑफ यू। यू आर डूइंग ग्रेट स्टफ। फाइनली तुम सिर्फ 7-8 दिन दूर हो अपने 30 दिन के टारगेट कंप्लीट करने से। मैं तुमको दोबारा एक बार ये बात समझा देती हूँ कि तुम्हारा जो पूरा का पूरा टारगेट है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। पहले हम 100 डेज में टारगेट कंप्लीट करेंगे, फिर हम 60th डे में क्या करेंगे बच्चों, पहला रिवाइज करेंगे, फिर 30th डे में क्या करूँगी बच्चों, दूसरा रिवाइज करूँगी, 15th डे में तीसरा रिवाइज करूँगी। देखो मैं बोलते बोलते भूल जाता हूँ कि क्या बोलना होता है, बिकॉज आई डोंट नेवर एवर प्रिपेयर एनी स्क्रिप्ट। अगर मैं स्क्रिप्ट प्रिपेयर करके पढ़ के बोलना स्टार्ट कर दूँ तो फिर मतलब बन गया वीडियो। चलो तो अब हम बात करें हमारे आज आते दूसरे इम्पॉर्टेंट चीज़ पे, दैट इज़ हमने रिडॉक्स रिएक्शन को और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अच्छे से टाइम दे दिया है। तो आज आप रिडॉक्स रिएक्शन का करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्या करेंगे दी, आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत प्यारा मुझे मैसेज लगा, मुझे 2-3 बच्चों को जो ब्रीदिंग टेक्निक मैंने तुमको सिखाई थी उससे जो हेल्प मिला, इट लिटरली ब्लू माई माइंड कि भाई वाओ यू आर इम्प्रूविंग, दैट्स इनफ, दैट्स गुड फॉर मी। चलो और दूसरा इंपॉर्टेंस आज क्या हमको करना है, रिवाइज, क्योंकि 7-7 दिन के लेक्चर से अगर हम कर रहे हैं तो हमको हर 7वें दिन हमको करना होता है रिवाइज। तो हमने 17th डे पे रिवाइज कर दिया, 40th डे पे रिवाइज कर दिया, 21 डेज पे भी रिवाइज। तो चलो कर लेना रिवाइज आज। क्या रिवाइज करना है, पूरा स्टार्टिंग से day 1 से लेकर day 20th तक रिवाइज करना है, कोई बहाना नहीं बेटा। आई नो थोड़ा सा इनिशियली तेरे डिफिकल्ट होगा कि 20 दिन का सिलेबस रिवाइज करना है, बट अपना मेजर टारगेट, अपना मेजर गोल याद रखो कि तुमको नीट के एग्जाम से 10 दिन पहले पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज करना है ना। तो हमको 20 दिन का रिवाइज करने में तो बिल्कुल भी लोड नहीं होना चाहिए, अभी हमने ज़्यादा चैप्टर्स भी कंप्लीट नहीं करनी है। तो तुमको रिवाइज करना है, और ऐसा लग रहा है काजल कुछ कुछ चीज़ें मैं भूलता हूँ, उसको एक छोटे से कॉपी में बना के उसका शॉर्ट नोट बना के रख लेना, ठीक है। प्रोडक्टिविटी